वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। प्रोग्राम में आगे हमारा सेगमेंट है, लेकिन उससे पहले एज यूजुअल हम कोविड के हवाले से आपको जरूर अवेयर करना चाहेंगे। एक बार फिर कोविड ने सर उठाना शुरू कर दिया है। मुल्क भर में कोविड के जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी शरह 3.77% हो गई है, और गुज़िश्ता अगर हम बात करें 24 घंटों में तो 872 नए केसेस रिपोर्ट हुए, और 24 घंटों के दरमियान जो कोविड से अम्बात है 9 अफराद जान की बाजी हार गए। एग्जैक्टली, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि अम्बात की रेशो नहीं थी, और साथ साथ दोबारा से माहिरीन सेहत ने कोविड को संजीदा लेने के लिए और बूस्टर शॉट्स लगवाने के हवाले से जोर दिया है। कहा है कि ये छठी लहर भी हो सकती है, इसको आप इतना ईजी या लाइट ना लें। अपने जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है बूस्टर शॉट्स लाजमी लगवा लें, क्योंकि अब ईद उल अज़हा भी है। ऐसे में आप लोगों ने सोशली भी कनेक्ट होना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और कोशिश करें कि एहतियात कर लें। अल्लाह ना करे फिर से ये मामला सर उठाए और हमें मुश्किल हो, क्योंकि फिर लॉन्गर रन ये चीजें हमारी। और एक चीज जिसका खदशा क्या, इनफैक्ट यकीन है, हमें पता है कि ये इस वजह से नंबर्स कम आ रहे हैं जो कि लोग टेस्ट नहीं करवा रहे। अगर ज्यादा लोग टेस्ट करवाने के लिए जाएंगे तो ये नंबर्स बढ़ जाएंगे। अब चूंकि टेस्ट कम है इसलिए हमें रेशो भी कम लग जाए, 3.76 यानी कि हर 100 टेस्ट कराने वालों में से तकरीबन 4 लोग इससे मुतासर हैं और 9 अफराद जांबक भी हुए। ये नंबर बहुत ज्यादा है काफी महीनों के बाद, और अगर मैं गलत नहीं कह रहा तकरीबन 6 माह के बाद इस तरह की सूरत हाल दोबारा 6-8 माह के बाद हमें नजर आ रही है। छोटी ईद हमने बहुत अच्छे से गुजारी थी, अब जो कि आगे ईद आ रही है तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईद पे फैमिली गैदरिंग्स भी होती हैं, फिर कुर्बानी का इतमाम होता है तो बहुत लोग मोहल्ले वगैरह के लोग भी आ जाते हैं। तो बहरहाल आप लोगों ने आपका एक कॉन्टेक्ट होता है, फिजिकल कॉन्टेक्ट भी होता है, सोशल कॉन्टेक्ट भी होता है, तो इसको देखते हुए आप जरा थोड़ा सा एहतियात जरूर कर लीजिएगा। कम अज कम कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके पास, आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि कोविड इज स्टिल हियर, और उसमें आप एहतियात करें। सबसे बढ़कर यही जरूरी है एहतियात, एहतियात और सिर्फ एहतियात। अब जाहिर है हमने इसको अपनी रोजमर्रा रूटीन के मुताबिक जीना, लेकिन अब चूंकि ये चीज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है तो उसके साथ खुद को प्रिपेयर। अच्छा, कुछ लोग इसको रिलेट कर रहे होते हैं थोड़ा सा अपने स्ट्रांग होने से ना, कि इम्यून सिस्टम कुछ नहीं होता। मतलब कुछ लोग ऐसे कह रहे होते हैं हमारे इधर पंजाब वगैरह में तो होता है, और दूसरी बात यह कि लाजमी नहीं कि आपको कुछ हो, आपसे किसी और को भी तो हो सकता है। आप एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, आप अपने घर में लेके जा सकते हैं, घर में आपके बुजुर्ग हैं, वालिदैन हैं, उनमें से अगर किसी को कोविड हो जाता है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और खासतौर पर जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो बड़े वल्नरेबल हैं इसको लेकर, उनके लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कोविड की पिछली लहर ने तो हमारी जो इम्यूनिटी है वैसे ही बड़ी वीक कर दी है। तो प्लीज इसका जरूर ख्याल रखिए, हम आपको और अपने आप को भी इनफेक्ट याद कराते रहेंगे, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी है तो कहीं ना कहीं हम भी बेहतियाती कर ही जाते हैं।